ये तुम्हारे सब के लिए हैप्पी दिवाली। हेलो फ्रेंड, मैं आज मुंबई में हूँ और मुंबई के लोगों से आज जानना चाहता हूँ कि वो दिवाली दिस ईयर कैसे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। चलो, why do we celebrate this Diwali festival? As per our knowledge, we celebrated because Ramji ghar aaye the after his 14 years of vanvas. People who do celebrate Diwali is probably because they believe in religious purposes, is part of their festival. Like when Ramji came back to Ayodhya, then everyone was celebrating because he killed this Ravan. And that time people used diyas, not firecrackers for you. Exactly. जो पुरानी बाती है भूल जाने की और नए जन्म हो गया इसे समझ के अब नया दिन शुरू करने का, नया बरस शुरू करने का तैयारी इसलिए करते हैं, इसलिए करते आ रहे हैं। सेलिब्रेट करते हैं कि भगवान रामचंद्र का वापसी हुआ था और उस खुशी में हम लोग दिवाली का पर्व पूरे हिंदुस्तान भर में मनाया जाता है। आई डोंट बिलीव ये राम जी। आप पटाखे मतलब फोड़ते हैं क्या अभी भी? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी फोड़ा भी नहीं। बचपन में थोड़ा कुछ फोड़ा कि नहीं, क्योंकि मैं अस्थमा पेशेंट हूँ। ध्वनि प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है और वो पटाखे बनाने के लिए कुछ जो बच्चे इस्तेमाल करते धारावीर में पटाखे से कभी फोड़ सकते हैं इधर में आके। तो अभी इधर पटाखे फोड़ने से ये आप तो जानते हैं मरीन ड्राइव पूरा गंदा हो जाता है। हाँ, हर साल का ये पॉल्यूशन तो बढ़ता है, अब क्या कर सकते हैं। जब ऐसा प्रोटेक्शन हो ही रहा है, जब बना रहे हैं तो पटाखा भी। इको फ्रेंडली दिवाली मानो नहीं सकते? हाँ, क्यों नहीं ऐसा, लेकिन सब लोग ऐसा नहीं होता ना, सब लोग ऐसा सोचते नहीं, थिंकिंग सबकी ऐसी नहीं है ना। लेकिन इफ यू कम ड्यूरिंग दिवाली टाइम टू मरीन ड्राइव, इट इज हॉरिबल। लाइक ये जेन्युइन नहीं है, लेकिन एक परंपरा है, वो परंपरा को हम तोड़ भी नहीं सकते ना। अवॉइड करने का क्रैकर्स को, ज्यादा मतलब पैसा वेस्ट नहीं करने का, थोड़ा पुअर लोग को पैसा बांटने का, पैसा मतलब कपड़ा बांटने का और खाना उन लोग के लिए। नाउ डेज इट इज मोर ऑफ you know, lightings and crackers. I celebrate Diwali. I do my puja wuja was required, but I don't celebrate burst crackers because I genuinely feel it causes a lot of pollution and lot of noise pollution too, and it just disturbs the surrounding. So it's just better without crackers. पटाखे फोड़े कि नहीं? हाँ फोड़े ना। फोड़े? हाँ बहुत सारे। अभी इस साल भी फोड़ेंगे? इस साल अभी बड़े हो गए हम। बड़े हो गए इसलिए नहीं फोड़ेंगे? ऐसा नहीं, बड़े हो गए तो क्या हुआ? क्या हुआ? फोड़ेंगे फोड़ेंगे, परंपरा है। वी बर्न क्रैकर्स एंड इट इज एंजॉय। या रियली वी एंजॉय इट, दैट्स द ओनली रीजन आई लव दिवाली, बिकॉज ऑफ क्रैकर्स। मैं गया बरस 1000 रुपए का फटाखा फोड़ा, तो ये बरस मैं 800 फोड़ूंगा, नहीं तो 1500 का फोड़ूंगा। लेकिन वो कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन उसमें कैसा बदल सकता है, सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है। दिवाली का बात कर रहे हो, लेकिन बराबर नहीं है क्या ए, दिवाली तो फिर पॉल्यूशन नहीं होता? I'll not burst crackers. Why? Because it creates noise pollution. A lot of air pollution. People can die because of asthma. Yeah, true. There's a lot of smoke, even noise pollution. Pets, they go insane because of noise. And like people can have hearing problems because of like the firecrackers being too close to them. So they can go like deaf, which is not a good thing to happen to anybody. Eco-friendly Diwali ko kaise support karte ho? मैं कम से कम 15-20 साल बम्बई में दिवाली में रहता ही नहीं है। ओ, जंगल में जाता हूँ, जो फ्री हवा मिलती है वो खाने के लिए जाता हूँ, अदरवाइज मैं मर जाऊंगा जल्दी। तो ग्रीन दिवाली, एवरग्रीन दिवाली ना, वी शुड एंजॉय दिस टाइप ऑफ दिवाली, ऐसा सब कुछ सुनने में अच्छा लगता है। प्रैक्टिकल में कुछ होता नहीं, प्रैक्टिकल में जो होने वाला है हर बरस वो होता है। Lighting the simple diya is celebration of Diwali rather than just buying like 1000 rupees fitna sa pataka and stuff. If our kids are grown up in the right way, when they grow up, they'll also understand and they'll also spread the message. Done. I support this cause. Done. We support eco-friendly Diwali. Eco-friendly Diwali and eco support everything. We celebrate eco-friendly Diwali. We support eco-friendly Diwali. I support eco-friendly Diwali. We support eco-friendly Diwali. तो गाइए, बजाइए, खेलिए, कूदिए, नाचिए, डांस करिए, कुछ भी करिए, बट पटाखा मत फोड़िए।